हम लोग देखेंगे पावर पॉइंट में स्लाइड शो टैब। स्लाइड शो टैब में क्या होगा? सबसे पहले स्लाइड शो जो हम चला रहे थे, तो अब हम चाहते हैं फ्रॉम बिगनिंग से स्टार्ट करना, तो बस यहाँ पर क्लिक कर देंगे तो ये शो जो चलेगा कहाँ से चलेगा, बिल्कुल शुरू से चलेगा। तो इस तरीके से कर सकते हैं फ्रॉम करेंट स्लाइड। जैसे मान लिया कि हम लोग तीसरे नंबर स्लाइड से हैं और स्लाइड शो यहीं से स्टार्ट करना चाहते हैं, तो यहीं से अब आपका स्लाइड शो स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। और अभी भी जो है, यदि हम करेंट 3 नंबर स्लाइड से ही हैं लेकिन यहाँ क्लिक करेंगे तो आपका स्लाइड शुरू से स्टार्ट होगा, ठीक है। फ्रॉम बिगनिंग एस्केप से हम हटाए। उसके बाद है अपना एक कस्टम स्लाइड शो बनाना। मान लिया कि इसमें जो है और भी बहुत ज़्यादा स्लाइड रहता और 5 स्लाइड को या 2 स्लाइड को मिला करके एक नया हम लोग स्लाइड शो बनाना चाहते हैं, कि मान लिया कि उसमें केवल पहला स्लाइड दिखाई दे, दूसरा स्लाइड दिखाई दे और हम 5वां स्लाइड केवल दिखाना चाहते हैं, ठीक है। पहला, दूसरा और 5वां। तो इस तरीके से हम एक नया स्लाइड भी बना सकते हैं। मान लिया कि हमको कंपनी के नाम से कोई मतलब नहीं है, तो हम जो है दूसरा स्लाइड दिखाना चाहते हैं और 5वां। इस तरीके से हमको एक नया स्लाइड, कस्टम स्लाइड शो बनाना चाहते हैं। तो यहाँ से कस्टम स्लाइड शो में जाएंगे और यहाँ न्यू, जो भी आपको स्लाइड शो का नाम देना है, मान लिया कि देना है स्कूल, स्कूल तो नाम दे दिए। और इसमें क्या क्या रखना है, मान लिया आवर सर्विसेज रखना है और कंप्लीट स्कूल सॉल्यूशन रखना है। तो इस तरीके से ये 2 स्लाइड का एक नया बन गया। और यदि आप इसको शो करना चाहते हैं तो केवल यही 2 स्लाइड ही दिखाई देगा, देखिए आवर सर्विसेज और दूसरा जो है आपका ये कंप्लीट स्कूल सॉल्यूशन, है ना। बीच में जितना साल स्लाइड था सब छोड़ दिया ना, और ये स्लाइड 2 स्लाइड में एंड भी हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से अपना कस्टम स्लाइड भी शो भी बना सकते हैं। जैसे मान लिया कि कस्टम स्लाइड शो यहाँ पर लिए और यहाँ से न्यू किए, और न्यू करने के बाद मान लिया कि हम चाहते हैं कि वेबसाइट नाम से बनाना चाहते हैं, और इस वेबसाइट में हम जो है पहला स्लाइड देना चाहते हैं, दूसरा स्लाइड देना चाहते हैं और तीसरा स्लाइड देना चाहते हैं, ठीक है। और ओके, इसी 3 स्लाइड का जो है ये क्या बन गया, एक शो बन गया। तो यहाँ से वेबसाइट को जब चलाएंगे तो पहला, दूसरा, तीसरा चलेगा, चौथा, पांचवा जो है अपने आप क्या हो जाएगा, नहीं दिखाई देगा, ठीक है, वो हट जाएगा। तो इस तरीके से आप जो है जैसे 50 स्लाइड का पूरा एक बड़ा सा स्लाइड बना हुआ, उसमें अलग अलग स्लाइड छाट करके कि जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है वही स्लाइड का एक नया शो बना लीजिए, ठीक है। तो जहाँ पर भी आपको शो करना है तो उस चीज़ के बारे में आप शो कर सकते हैं, ठीक है, समझ में आया। तो इस तरीके से यहाँ देखिए 3 स्लाइड के बाद ये क्या हो जाएगा, यहाँ के बाद एंड कर जाएगा, है ना, एंड हो गया, एंड ऑफ स्लाइड शो लिखा हुआ है सबसे ऊपर में, है ना। तो इस तरीके से जो है हट गया। अब जो है आप कस्टम स्लाइड शो आप बना लें। सेटअप शो, सेटअप शो में आप चाहते हैं कि ऐसा स्लाइड बनाना जो आपका कंटिन्यूसली चलता रहे, तो लूप कंटिन्यूसली अंटिल एस्केप आप जब क्लिक कर देंगे तो क्या होगा कि जब तक आप एस्केप नहीं प्रेस करेंगे ये शो चलता रहेगा, ठीक है। तो मान लिया कि हम वेबसाइट का नहीं, स्कूल का शो चला रहे हैं, और इस तरीके से आपका जो ये आया, उसके बाद जो है फिर से ये स्टार्ट हो गया, है ना, हुआ कि नहीं, ये बंद हो रहा है स्लाइड, नहीं हो रहा है, एस्केप प्रेस करेंगे तभी ये जो है क्या होगा, बंद होगा, ठीक है। तो ये सेटअप शो में जो है हम लोग क्या किए, लूप कंटिन्यूसली अंटिल एस्केप, ठीक है। शो विथ विदाउट नरेशन, शो विदाउट एनिमेशन। यदि ऐसा करना चाहते हैं कि आप एनिमेशन नहीं शो करना चाहते हैं तो एनिमेशन नहीं शो होगा। तो इस तरीके से आप जो है कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें और स्लाइड शो फ्रॉम ऑल स्लाइड के लिए सेट होना चाहिए, या फिर कुछ खास स्लाइड के लिए, या फिर किसके लिए, स्कूल के लिए या वेबसाइट के लिए। वेबसाइट के लिए आइएगा तो वेबसाइट के लिए दूसरा पैरामीटर सेट कर सकते हैं। यही 2 कस्टम शो बनाए हैं ना, तो कस्टम शो के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर आप कर सकते हैं ये सब थोड़ा बहुत चेंजेस। फिर हाइड स्लाइड, किसी स्लाइड को आप हाइड करना चाहते हैं, मान लिया कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट को आप हाइड करना चाहते हैं, तो ये स्लाइड क्या हो जाएगा, अब हाइड हो जाएगा। देखिए इसका कलर भी थोड़ा क्या हो गया, चेंज हो गया। और जब आप स्लाइड बिगनिंग से चलाएंगे तो ये आपका स्लाइड अब नहीं दिखाई देगा, ठीक है। तो इसके लिए फ्रॉम बिगनिंग से चला रहे हैं, और ये स्लाइड जब चलाएंगे तो
तो ये क्या होगा आपका? स्लाइड हाइड हो गया है, तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का आप जो है नहीं दिखाई देना चाहिए। दूसरा स्लाइड आया, थोड़ा टाइमिंग ज़्यादा लग रहा है। तीसरा आया और चौथा था क्या हमारा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का ही था, और ये नहीं दिखाई दिया है ना, क्यों? क्योंकि हमने उसको क्या कर दिया था, हाइड कर दिया था। ठीक है, तो इस तरीके से आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत? अब जो है अगला, हाइड स्लाइड हो जाने के बाद रिकॉर्ड नरेशन। जैसे आप चाहते हैं कि कोई भी स्लाइड आपका आए तो उसके साथ आपका वॉइस भी रिकॉर्ड हो जाए, है ना, जो आप बोल रहे हैं वो रिकॉर्ड हो जाए। ठीक है, तो उसके लिए जो है आप कर सकते हैं ये काम। सबसे पहले तो रिकॉर्ड नरेशन करते हैं। रिकॉर्ड ए नरेशन ट्रैक यूजिंग द माइक्रोफोन अटैच टू योर कंप्यूटर। योर नरेशन कैन बी प्लेड बैक अलॉन्ग विद द फुल स्क्रीन स्लाइड शो। मतलब जो आप बोलेंगे इसके स्लाइड के साथ रिकॉर्ड हो जाएगा, मतलब जो चीज़ आपको दिखाई दे रहा है, जैसे स्लाइड जैसे दिखाई दे तो आवाज़ भी आए, ब्यूटी टेक्नोलॉजीज थिंक कंप्यूटर थिंक मी, है ना, आवर सर्विसेज, मतलब पढ़ के सुना दिए। ठीक है, तो इस तरीके से करने के लिए हम क्या करेंगे, तो रिकॉर्ड नरेशन हम करेंगे, और रिकॉर्ड नरेशन सेट माइक्रोफोन लेवल। और इस तरीके से देखिए मेरा माइक्रोफोन का लेवल क्या है, सही दिखा रहा है, जैसे दिख रहा है ना। ठीक है, तो इस तरीके से और हम कम कर दिए थोड़ा सा लेवल और ओके कर लिए। ठीक है, चेंज क्वालिटी, क्वालिटी ठीक है रहने दीजिए, और यहाँ ओके करते हैं। ठीक है, और उसके बाद अब हम रिकॉर्डिंग का काम स्टार्ट करेंगे। ओके जैसे ही करेंगे तो ये जो है आपका क्या होगा, सर्किल आपका ये स्टार्ट होगा। नेक्स्ट नेक्स्ट, इस तरीके से थिंक कंप्यूटर थिंक मी पहले आया, और जो है ये आपका ब्यूटी टेक्नोलॉजीज उसके बाद आया, उसके बाद नेक्स्ट गो टू नेक्स्ट ऑटोमेट, ये रिकॉर्ड कर रहे हैं ना, इसलिए जो है आपको आपको करना पड़ेगा। ठीक है, आवर सर्विसेज वेबसाइट डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट स्कूल सॉल्यूशन ग्राफिक डिज़ाइनिंग कंप्यूटर क्लासेस। तो इस तरीके से आपका जो है वेबसाइट डेवलपमेंट डोमेन रजिस्ट्रेशन वेबसाइट होस्टिंग वेबसाइट डिज़ाइनिंग वेबसाइट डेवलपमेंट, उसके बाद सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट सिस्टम, उसके बाद है आपका कंप्लीट स्कूल सॉल्यूशंस स्कूल आईडी कार्ड प्रिंटिंग वर्क्स स्कूल सॉफ्टवेयर स्कूल वेबसाइट। ठीक है, और यहाँ कर दिए, सेव करना होगा इसको। और हाँ देखते हैं, और यहाँ पर 35 सेकंड का इसमें हुआ है, इसमें 14 सेकंड, इसमें 8 सेकंड, और इसमें 14 सेकंड, और ये 9 सेकंड। तो इस तरीके से यूज रिहर्स टाइमिंग हो गया है आपका। अब जो है हमको सुनना है इस काम को, देखना है तो कैसे हम लोग ये काम करेंगे इसको जो है। अब फ्रॉम बिगनिंग से स्टार्ट करिए। ठीक है, जो नहीं आ रहा आवाज, ठीक है, अभी हम कुछ नहीं कर रहे हैं, और ये जो भी चीज हमने किया वो सार, ठीक है, इस तरीके से हो रहा है। और ये जो नेक्स्ट कर रहे थे वो दिखाई नहीं देगा,
ठीक है। तो इस तरीके से आपका जो है ये काम सारा हो जाएगा। यहाँ से बस रिकॉर्ड नरेशन पे क्लिक करना है, और रिकॉर्ड नरेशन पे जैसे ही क्लिक करिएगा और ओके करना है, ठीक है, तो स्लाइड चलने लगेगा, और चलने लगेगा उसके बाद आपका रिकॉर्डिंग स्टार्ट है, और जो भी आप बोलेंगे वो क्या होगा, रिकॉर्ड होते चला जाएगा हर एक स्लाइड के साथ। उसके बाद क्या कर देना है, सेव कर देना उस चीज़ को, और आपके स्लाइड्स के साथ ही सेव हो गया है। क्या सेव? वो ऑटोमेटिकली फाइल के साथ हो गया ना, प्रेजेंटेशन बन के साथ। अब यहाँ प्रेजेंटेशन बन जो भी आप, या फिर जो भी, अभी तो हम सेव ही नहीं किया है, डेस्कटॉप पे मान लिया ब्यूटी टेक्नोलॉजीज़ के नाम से हम सेव कर देते हैं, तो इसी ब्यूटी टेक्नोलॉजीज़ नाम के फाइल के साथ ये क्या हो गया, सेव हो गया, ऑडियो भी, ये फाइल भी, ये प्रेजेंटेशन भी, सारा चीज़, सारा इफेक्ट वगैरह के साथ ये क्या हो गया, सेव हो गया। और जब भी हम उसको प्ले करेंगे तो ये क्या होगा, स्लाइड शो में जब भी दिखेगा तो ये नाम भी बोलेगा और ये पढ़ करके भी सुनाएगा, एनिमेशन भी होगा, साउंड भी आएगा, ठीक है, वो हर चीज़ आएगा, वो किसके थ्रू, रिकॉर्ड नरेशन के थ्रू, ठीक है। और ये रिहर्स टाइमिंग केवल क्या करेगा, केवल टाइमिंग एडजस्ट करेगा, जैसे हर एक स्लाइड के का टाइमिंग इंटरवल अलग अलग होना चाहिए, है ना। जैसे यहाँ से एनिमेशन में ऑटोमेटिकली हम क्या कर दिए थे कि फिक्स कर दिए थे कि 9 सेकेंड में होना चाहिए चेंजेस, है ना, तो सबके लिए कोई ज़रूरी है कि 9 सेकेंड ही, कोई कम समय में भी आगे बढ़ जाए, है ना। तो यहाँ पर जो है रिहर्स टाइमिंग जो क्या करेगा, हर एक स्लाइड्स के लिए अलग अलग टाइमिंग को डिसाइड करेगा कि इसमें कम मैटर लिखा हुआ है तो ये जल्दी से निकल जाए, ये इसमें ज़्यादा मैटर है तो ये थोड़ा टाइम लगाए, है ना, टाइम दे यूज़र को पढ़ने का। तो ये रिहर्स टाइमिंग से, इसको हम बाद में देखते हैं। और यहाँ पर रेजोल्यूशन वगैरह ये आपका क्लियर हो गया है लगभग, ठीक है। अब जो है हम इसको स्टॉप कर ले रहे हैं और